हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरा पहला ट्रिप इस तरह से मसाले को लेके। तो दोस्तों इस तरह से जब भी हम मसाले को पीसते हैं, ज़्यादातर हम सिलबट्टे के मसाला खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह से जब भी मसाले को पीसते हैं, तो आपने कभी आजमाया है कि हमारे हाथों में नाखूनों में इस तरह से मसाले लग जाते हैं और मिर्च वगैरह भी लग जाती है, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है और हाथों में भी जलन होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसके लिए छोटा सा ट्रिक है। आपको कोई सी बॉटल लेना है, इस तरह से बॉटल लेना है और बॉटल को हमें देखिए यू शेप में कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं सीजर के हेल्प से इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत इजीली तरीके से ये कटिंग हो जाता है, तो चलिए मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ और बहुत ईजी तरीके से ये कटिंग हो जाता है। तो चलिए मैं बॉटल को कटिंग कर ली हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और किनारे से कटिंग कर लूँगी। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ इसको। तो दोस्तों आज मैं बोतल के हेल्प से मसाले को उठाऊंगी, तो देखिए कितने इजी तरीके से मसाला उठ जाता है और आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने यू शेप में इसको कटिंग कर लिया है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से इस तरह से मसाले को आप उठा सकते हैं और आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए बहुत इजी तरीके से इस तरह से मसाला, जितना भी मैंने इस पर मसाला पिसा हुआ है, भुना हुआ जीरा मैंने पिसा हुआ है, तो देखिए बहुत इजी तरीके से इस तरह से जितने भी मसाले हैं आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपके हाथों में जलन भी नहीं लगेगा और मिर्च वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो देखिए मैं इसी तरह से सारे मसाले को उठा ली हूँ और बहुत इजी तरीके से सारे मसाला मैंने बोतल के हेल्प से इस तरह से उठा लिया है और मुझे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने सारा मसाला इसी तरह से उठा लिया है, मैंने हाथों में नहीं लगाया है, ना हाथों में जलन होगा इस तरह से। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है, ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगले ट्रिप इस तरह से हमारे पानी के बॉटल को लेके आए। तो दोस्तों होता क्या है कि इस तरह से जब हम कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, तो गर्मियों का दिन है तो ज़्यादातर हम लोग ठंडे पानी पीना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से जब भी हम ठंडे पानी अपने बैग वगैरह में ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर तक पानी रुकता नहीं है, पानी नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक ये है कि हमें लेना है छोटी टावल कोई। तो देखिए इस तरह से हमने छोटी टावल ले लिया है और इसके ऊपर बोतल रख के इसको मैं टावल में बोतल को कवर कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से बोतल मैं टावल के अंदर कवर कर देती हूँ और इस तरह से हमें कोई रबड़ बैंड लेना है, रबड़ बैंड को इसको लगा देना है, जो टावल है ना इसको मुझे दबा देना है कि ताकि टावल का जो लपेटा हुआ है ये खुले नहीं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से रबड़ को अटैच कर दी हूँ, अब तौलिया किसी तरफ से टावल निकलेगा नहीं। तो दोस्तों इस तरह से टावल लपेटने से होता क्या है, तो देखिए इस तरह से टावल लपेट दिया है मैंने और इस तरह से पानी जो मैं कटोरी से डाल रही हूँ टावल के बीच में, तो इस तरह से पानी डालने से क्या है ना कि आपका पानी काफ़ी देर तक के टावल के हेल्प से, क्योंकि टावल भी गीला रहेगा और बोतल में भी पानी ठंडा है, तो इस तरह से पानी आपका काफ़ी देर तक के कूल रहेगा और गर्मियों में आपका पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक छोटा सा है पर बहुत ही काम का है। ये छोटा सा ट्रिक आप लोग एक बार अगर कहीं लंबी सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरह से पानी को ज़रूर आजमा के देखिएगा। इस तरह से जिस तरह से मैंने पानी को इस तरह से टावल में कवर करके रखा है, तो इस तरह से पानी को कवर करके ले जाएंगे तो आपका पानी बिल्कुल ये गर्म नहीं होगा और पीने के लिए बहुत इजी तरीके से इस तरह से कैप खोल के आप इस तरह से पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से मिक्सी के जार के ढक्कन को लेके। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से जार को हम यूज़ तो करते हैं लेकिन करते करते क्या होता है, इसका ये जो रबड़ होता है ना ये ख़राब हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है, लगने तो लग जाता है बाज़ार में दुकान पे, लेकिन क्या है फ़िलहाल हमें काम चलाने के लिए हमें इसके लिए छोटा सा प्रॉब्लम है इसको कि हमें करना क्या है। तो देखिए हमें सिंपल ही रबड़ लेना है फ़िलहाल। इस तरह से सिंपल रबड़ लेके हम इसमें 5-10 रबड़ इकट्ठा एक साथ लगा देंगे तो थोड़ा इसका किनारे पर मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये रबड़ को हम लगाएँगे ना तो ये रबड़ बिल्कुल रबड़ का ही काम करेगा, जो ढक्कन पे रबड़ लगा रहता है बिल्कुल वही काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप रबड़ को लगा के आप मिक्सी का जार इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इजली तरीके से इस तरह से रबड़ लगा लेंगे तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ इसमें पीस सकते हैं, आपका कोई चीज़ बाहर नहीं आएगा।
तो बिल्कुल ये रबड़ का ही काम कर रहा है। जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप इसका रबड़ मार्केट में दुकान पे जाके इसका रबड़ लगवा सकते हैं। तो होप करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से ब्लाउज हम कहीं फंक्शन वगैरह पार्टी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लाउज तो हम सारा ये जो फैंसी ब्लाउज रहता है हम इसको धोते नहीं हैं, तो धोते नहीं है। इस तरह से सिंपल ब्लाउज को हम इस तरह से जो फैंसी ब्लाउज रहता है तो हम करते क्या है, इस तरह से ले आते हैं, निकाल के हम इस ब्लाउज को रख देते हैं। तो इस तरह से रखने से होता क्या है, तो इस तरह से रखने से हमारे ब्लाउज में बैड स्मेल और काफ़ी स्मेल आने लगता है। इस तरह से हम ब्लाउज ले आते हैं तुरंत निकाल के रख देते हैं। जी नहीं दोस्तों, इस तरह से नहीं रखना है ब्लाउज की। या तो ब्लाउज को जब भी आप निकालते हैं इसको खोल के इसको आप तो कहीं खुली हवा में डाल दीजिए, धूप वगैरह में, जो इसकी बैड स्मेल है ये ख़त्म हो जाएगी। या तो दूसरा इसका ट्रिक ये है कि देखिए हमें एक लेना है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ और न्यूज़पेपर का ही हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो चलिए हम न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं और ब्लाउज के ये जो कंधे वाला हिस्सा है इसके बीच में हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बीच में अटैच कर दिए और पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे पेपर रखा हुआ है। और मुझे करना क्या है, इसके बीच में मुझे डालना है पाउडर। आप कोई सा भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पाउडर डालने के बाद होता क्या है, इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। आप इस तरह से ब्लाउज को आप जितने भी रखना चाहे रख सकते हैं, आपके ब्लाउज में से बैड स्मेल नहीं आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, क्योंकि मैंने इसके बीच में पाउडर डाला हुआ है। जब भी आप ब्लाउज को इस्तेमाल करना चाहे इस तरह से पेपर को बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप जब भी कहीं पार्टी वगैरह में से आती हैं इस तरह से ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा, इस तरह से ब्लाउज को रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे चाय पत्ती को लेके हैं। तो दोस्तों जब भी हम पैकेट का चाय पत्ती ले आते हैं ना, तो इस तरह से हम क्या है ना डायरेक्टली डिब्बे में भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से डायरेक्ट डिब्बे में नहीं भरना है हमें, इसको लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो जब भी हम चाय पत्ती वगैरह ले आते हैं ना पैकेट, तो इस तरह से हमें लेना है छन्नी। छन्नी में जब भी चाय पत्ती लेते हैं तो देखिए इस तरह से छलनी में छान के ही चाय पत्ती को हमें यूज करना है, क्योंकि जब भी हम चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाय में कप में गिलास में जब भी हम चाय पीते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ये नीचे बैठ जाता है। ये चाय का ये जो नीचे का ये आटे टाइप में गिरा हुआ है, तो आपने देखा है पाउडर जो गिरा हुआ है, तो ज़्यादातर यही हमारे कप में गिलास में नीचे बैठ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी आप चाय पत्ती वगैरह ले आएँ तो चाय पत्ती को इस तरह से छान के ही यूज कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।